अध्याय जिन्होंने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ही चैलेंज कर दिया, वो मेरे साथ हैं मौलाना साजिद रशीदी, अनुराग भदौरिया और आरपी सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बात मैं अब अश्विनी उपाध्याय, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अब कल को अगर ये हो गया कि चलिए वो शिवलिंग है, हो गया, हो सकता है फाउंटेन हो जाए, हो सकता है शिवलिंग साबित हो जाए जब सर्वे होगा, अगर सर्वे फिर आगे क्या मतलब कल को अगर शिवलिंग हो जाए तो फिर मतलब मस्जिद में शिवलिंग तो मतलब क्लियर हो जाएगा कि फिर वो मंदिर था। देखिए आगे क्या, मुझे आगे की बात समझाइए। आगे का बहुत सीधी सीधी सी बात है, अब मेंटेनेबिलिटी पे नहीं, सीधे सीधे सर्वे पे ही बात आगे बढ़ेगी। सर्वे होगा, सर्वे से आइडेंटिफाई किया जाएगा, हो सकता है जज ये भी कह दे, एएसआई को ऑर्डर कर दे कि ठीक है जी आपको अगर और भी कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है तो उस प्रांगण में जाकर उस एरिया में जाकर आप और कलेक्ट कर लो। ठीक है, एक बार जब ये सर्वे के बाद फिर ये एस्टेब्लिश होगा, सर्वे के ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा, एक पक्ष कहेगा नहीं सर्वे की बात गलत है, फिर बाकायदा उसके टेक्निकल जो वैज्ञानिक उसकी वैलिडिटी, अगर सर्वे से एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो शिवलिंग है, सर्वे से एस्टेब्लिश तो मतलब वो तो पता लग जाएगा नीचे कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, फाउंटेन का कहां से पानी आ रहा है। सर्वे के बाद सर्वे हो जाएगा, एक मिनट अश्विनी, सर्वे के बाद जब ये प्रूव हो गया कि वो मंदिर आज है कि वो शिवलिंग है, शिवलिंग है, वजूखाने में शिवलिंग है, शिवलिंग है, फिर आगे क्या, अगर ये प्रूव हो गया कि 2022 में भी शिवलिंग है तो स्वाभाविक सी बात है 1947 में शिवलिंग था ही, तो जब 1947 में शिवलिंग था तो उस स्थान का रिलीजियस करेक्टर हिंदू मंदिर का हो गया। अभी तो वो मस्जिद है ना, नहीं अभी अभी तो वो अभी तो वो मस्जिद अरे है ना? अभी उनके तो वजू खाने में शिवलिंग नहीं नहीं मतलब मिल गया, वो जो तो लोग उसको मस्जिद कह रहे हैं उनके पास 1991 के एक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा। सब कुछ उन सारे एविडेंस उनके खिलाफ है, अनुराग फिर रशीदी, दारा सिको उनके खिलाफ, औरंगजेब उनके खिलाफ, औरंगजेब का सेनापति उनके खिलाफ, इतिहासकार खिलाफ, और आज तो इरफान हबीब जो इनके पक्ष में हमेशा रहते थे वो भी उनके खिलाफ हो गए, वो भी करे तोड़ा गया था। अगर अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो शिवलिंग है तो स्वाभाविक सवाल मालिकाना हक वहां पे मंदिर, तो फिर अयोध्या पार्ट टू होगा, नहीं अयोध्या पार्ट टू, काशी में अयोध्या पार्ट टू होगा, मतलब एक चीज समझ लीजिए, लड़ाई वही है ना अंततः खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं आमन जी, आप लोग ना बस कवर फायर अप कि हम गौरी श्रृंगार मंदिर है पूजा के अधिकार के लिए गए हैं, हम दीवार गिराकर मस्जिद के सर, आप लोगों का टारगेट है इसको मंदिर करना। अमन जी मुझे 60 सेकंड दे दीजिए, बोल लीजिए। भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक समुदाय अपने देवी देवताओं के लिए मंदिर जाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, जहां पे भी और दूसरे कम्युनिटी बहुसंख्यक है ना, वो अपने पूज्य के लिए कभी कोर्ट नहीं जाते। ये तो हिंदू समुदाय है जो 80% है, इसके बावजूद कोर्ट में जा रहा है, और कोर्ट में किसके लिए जा रहा है, जिसका जिक्र वेद पुराण में है, जिसका जिक्र गीता रामायण में है, जिसका जिक्र रामचरितमानस में है। मैं तो ये कहूंगा, आज हमारे साथ रशीदी साहब है, भैया जिसका जिक्र कुरान हदीस में है उसको आप ले लीजिए, लेकिन जिसका जिक्र वेद पुराण रामायण भगवद गीता में है उसको छोड़ दीजिए, इससे भाईचारा बढ़ेगा। अगर कोर्ट के जरिए 10-20 साल लड़ने के बाद मिलेगा तो कोई एहसान नहीं होगा। बल्कि अगर राम मंदिर का एक ये तो कुतुब मीनार में जो मस्जिद है उसमें तो लिखा गया 27 मंदिर के अवशेषों से ही बने, वो तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो वास्तव में इस्लाम को समझते हैं, इस्लाम को जानते हैं और कहते हैं, उनको भी है और उनको भी पता कि इतिहास क्या, उन्होंने पढ़े लिखे, उसके बाद आरपी सिंह के बावजूद वो सब एक एक करके बोलेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा भाई, ये रिक्वेस्ट है अनुराग, आप भी बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अनुराग मेरा सवाल ये जो अभी अश्विनी उपाध्याय ने बोला कि सर्वे तो होना चाहिए शिवलिंग का या फाउंटेन का, और अगर सर्वे से शिवलिंग साबित होता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर आप भी कार सेवा में आएंगे, फिर आप भी कार सेवा करेंगे, फिर आप भी जो है बाबा के भक्त की तरह आप आएंगे कार सेवा करेंगे मंदिर। आपने देखा किस तरह से अयोध्या में मंदिर बन रहा है, देश संविधान और न्यायपालिका चलेगा, आस्था से तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, यही तो हिंदुस्तान की खासियत है। मैं अश्विनी जी को बताना चाहता हूँ, यही खासियत है कि हिंदुस्तान में सभी जात धर्म के लोग रहते हैं और सभी मिलके रहते हैं, और तभी तो हिंदुस्तान से बाहर के लोग डरते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे सभी एक साथ उठ के खड़े होते हैं अगर बाहर वाला हमारी तरफ देखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हमें ये जो संयुक्त परिवार हमारा है जिसमें सब लोग मुट्ठी की तरह मिलकर एक साथ रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जात के लोग, धर्म के लोग, ये उसको तोड़ना चाहते हैं ताना बाना को, ये नफरत की जॉइंट फैमिली है हिंदुस्तान एक, और इसको भारतीय जनता पार्टी उसको जात धर्म और नफरत की आग फैला के उसको अलग अलग करना चाहती है। तो इसके मतलब आप हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे जॉइंट फैमिली की तरह है, यही तो है हमारी खासियत, यही है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या को अयोध्या के लिए फैसला दिया, देखो वहां पे मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, सभी उसके, हमें तो लगता नहीं कोई उसके खिलाफ बोलता भी है, और आज भी अगर न्यायपालिका अगर बोला कि वहां पे सर्वे होगा, सर्वे हुआ, न्यायपालिका अगर जो भी बोलता है और पूरा देश उसको मानता है, ये देश संविधान और न्यायपालिका चलता है। एक बात मैं तो बस इतना सा ही पूछता हूं कि आपको धर्म से लेना देना नहीं है, बीजेपी को आस्था की राजनीति करनी है, अगर आस्था में इनको विश्वास होता, धर्म से मतलब होता, तो काशी कॉरिडोर में
जब मंदिर टूट रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता किस गली में घुस गए थे कि मंदिर टूटते रहे, बुलडोजर और वहां जेसीबी चलता रहा, वो गलियां जिसको लोग रो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि जिनका पुराण में भी उसका जिक्र है, प्राचीन मंदिरों का जहां पूजा भी होती थी, दूर दूर से लोग आते थे, वो मंदिर ध्वस्त हो गए, मंदिर ध्वस्त हो गए, किसी की आवाज नहीं उठी, किसी की आवाज नहीं उठी। उस समय किसका शासन था, कौन काल के लोग थे वो? लेकिन चूंकि आस्था में आप चूंकि राजनीति करनी है, चूंकि ध्यान भटका दे महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटका के किस पे लेके आना है। मुझे ज्वाइंट फैमिली पर एक सवाल, बहुत अच्छी बात करी अनुराग आपने कि संयुक्त परिवार की तरह हिंदू मुस्लिम सब हम मिलकर रहते हैं, सब परिवार ज्वाइंट फैमिली है अनुराग, तो ज्वाइंट फैमिली में सब पर एक समान नियम लागू हो जाने, यूजीसी लागू हो जाना चाहिए सब पर एक समान। अब मैं बोल रहा हूँ, देखिए जब ज्वाइंट फैमिली होती है तो आपने देखा होगा उसके फायदे भी होते हैं, कई बार हमको उसमें एडजस्ट भी करना पड़ता है। मैंने जो पूछा मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अच्छा, तो आप वहाँ पे कई बार विवाद भी होता है, कई लोग मिलके साथ रहते हैं तो थोड़ा सा विवाद रहता है, सबके लिए अलग अलग नियम नहीं होते, परिवार का नियम एक होता है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो देश में न्यायपालिका है, मेरी बात तो सुनिए, देश में संविधान है, न्यायपालिका है, हमारी समस्या का समाधान वो लोग बड़ी आसानी से कर देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी समस्या का समाधान आसानी से होने नहीं देता। एक सा परिवार ज्वाइंट फैमिली है, हम सब मिलकर रहते हैं तो सबके लिए नियम अलग अलग, सबके लिए समान नियम होना चाहिए, हाँ या ना? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे मतभेद, अरे होने चाहिए क्यों नहीं, लेकिन हमारे साथ है। मेरी बात तो सुन लो, ब्रेकिंग है भैया, ये बहुत बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी आप यूसीसी के साथ, अरे नहीं मेरी बात ब्रेकिंग है, आधी बात नहीं सुनी जाती, पूरी बात सुनी जाती, पूरी बात पूरी बात, बहुत बड़ी खबर है भैया, मैं 10 सेकंड बड़ी बात, अरे 10 सेकंड बहुत बड़ी बात, अरे 10 सेकंड, अगर समाजवादी पार्टी आपका बयान हो गया, समाजवादी पार्टी आज लोहिया जी के साथ खड़ी हो गई, लोहिया जी यही कहते थे, अब मैं बोल लूं, लोहिया जी कहते थे, अच्छा बोल लूं, लोहिया जी कहते थे, बोल लूं, हो गया ना, आपने बोल दिया, अब मैं बोल लूं, और आज आपने कहा, मैं फिर आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, बड़ी चीज है, अरे यूसीसी के साथ, यूसीसी के साथ मैंने कहा ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में हमारे मतभेद होंगे, सबको समझने लिए हमारे, अरे बोलने तो क्या यार एजेंडा चला रहे हो, मैंने कहा कि अरे संविधान और न्यायपालिका है, अगर हमारे में मतभेद होंगे और जिस लॉ की आप बात करते हो यूनिवर्सल एक देश एक कानून हो तो संविधान न्यायपालिका है, अगर उसमें हमारे पास उनमें संविधान न्यायपालिका इजाजत देगा, अरे संविधान बनेगा हुआ है, हमारा हिंदुस्तान बनेगा, हिंदुस्तान ने क्या नहीं माना, इससे पहले सती प्रथा को नहीं माना क्या, हिंदुस्तान के अंदर में ट्रिपल तलाक का कानून बना के नहीं हिंदुस्तान ने माना क्या, यहाँ पे मंदिर बन रहा है, मस्जिद बनता है जो पार्लियामेंट से या न्यायपालिका से पास होता है, हिंदुस्तान नहीं मानता है, समान नागरिक संहिता लिखा हुआ है, करना चाहते हैं संविधान में समान नागरिक संहिता लिखा हुआ है, वही संविधान में समान शिक्षा लिखा हुआ है, तो मदरसा बंद होना चाहिए, तो मदरसा बंद होना चाहिए, इसका मतलब दलित को पुजारी कब बनाएंगे, दलित पुजारी कब बनेगा बताइए, समान शिक्षा तो बताइए टीवी में, दलित पुजारी कब बनेगा, हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, दलित हिंदू है कि नहीं, संविधान की बात करिए, हिंदू है कि नहीं, संविधान की बात करिए, हिंदू है कि नहीं, संविधान में समान शिक्षा समान नागरिक संहिता है या नहीं, दलित हिंदू है, दलित को हिंदू बोलने से डरता है, दलित हिंदू दलित को हिंदू बोलने से डरता है, दलित को हिंदू नहीं मानता क्योंकि मैंने वाला पुरता बन के काम नहीं चलेगा, दलित मंदिर का पुजारी बन सकता है, तो देखिए वकील साहब साजिद रशीदी बस हो गया साजिद रशीदी जो अभी अश्विनी उपाध्याय ने सवाल पूछा कि 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अलावा ज्ञानवापी मस्जिद में दावा ठोकने के लिए कोई और तथ्य है क्या कि नहीं वो जो है वो मस्जिद ही है और ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अलावा कुछ और ऐसा है क्या? इनका दोहरा मापदंड देखिए, इन्होंने क्या बात कही, पहले तो ये कह रहे थे कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो यहाँ लागू ही नहीं होता, इन्होंने कहा, उसके बाद में इन्होंने कहा, जब आपने पूछा कि अगर ये शिवलिंग साबित हो जाता है कोर्ट से तो क्या फिर लागू होगा, तो अश्विनी उपाध्याय ने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं होगा, फिर तो इसका कैरेक्टर थोड़े चेंज होगा, फिर कैरेक्टर थोड़े चेंज होगा, वो कह रहे हैं वो स्थली नहीं है, नहीं नहीं सुनो, अच्छा। इन्होंने कहा कि 1947 में जो 1991 का वर्शिप एक्ट है, 1991 का वर्शिप एक्ट है वो कहता है कि 1947 में जो कैरेक्टर था वो जो भाई बोलने दो यार, बोलो बुरी बात, वो एक सवाल बुरी बात उत्तर नहीं दिया, लिंचिंग मत किया, आप बोलिए मस्जिद पूजा स्थल है, अच्छा ब्रेक से पहले आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल शुरू से, ब्रेक से पहले मैंने प्रधानमंत्री के लिए बोला था, मस्जिद पूजा स्थल है, मैंने प्रधानमंत्री के लिए, आप बोलिए बोलिए, हां नहीं रशीदी जी बोलिए, रशीदी जी आप वकील हो, आप बोलिए रशीदी जी, सुनिए आप सुनिए, एक मिनट आप सुनिए मेरी बात, एक मिनट रशीदी जी बोलेंगे, रशीदी जी अनुराग अरे भाई साहब अनुराग सुनिए, आपने लिंचिंग करने के कारण हमारे एक भाई, अरे भाई साहब रशीदी जी, अरे भाई बुलडोजर नहीं चला
लाओ भाई। आपने तो लिंचिंग में कल एक हिंदू को मार दिया, कवर फायर मत करिए। सवाल है अश्वनी, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं, ऑडियो नहीं जा रहा है, ऑडियो नहीं जा रहा है अश्वनी, अश्वनी अश्वनी जी, ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा, नहीं ऐसे नहीं, ऑडियो बंद, एक मिनट रशीद जी मैं आ रहा हूँ, ऑडियो बंद ऐसे नहीं, अब मैं सुनिए, नहीं ऑडियो बंद है ऐसे नहीं, ऑडियो ऑन एयर नहीं जा पा रहा, एक एक करके बात रखेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा। मैं रशीदी जी के पास जाऊंगा, साजिद रशीदी जी, कल को ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो शिवलिंग है सर्वे के बाद, देखिए तो फिर दावा छोड़ना होगा, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जी जी बिल्कुल, हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को भी माना, लड़ाई का फायदा क्या, कल भी समझ रहे हैं, मैं तो एक मिनट रुकिए, फायदा कुछ फायदा क्या है साहब, एक मिनट रुकिए, देश का संविधान और देश का कानून उसको मानना कोई फायदा नहीं उसका, आप कह रहे हैं फायदा क्या, नहीं लड़ाई का, अरे बात है कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार में लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या बेचता है, मंदिर 27 मंदिरों के अवशेषों पर कुतुब मस्जिद बनी है। अरे भाई सुनिए, नाम चोपड़ा, अमन चोपड़ा, बोलिए बोलिए बोलिए, कहां चली गई भैया, मुझे मुझे कोर्ट के जरिए ही होगा, फिर गंगा जमुनी तहजीब किस बात की, चलिए ये सवाल, जिसका पुराण हदीस में आप ले लो, जिसका वेद पुराण जिक्र हमें छोड़ दो, ये है गंगा जमुनी तहजीब, अब हो गया जवाब, अब हो गया ना, अब मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप गीताओं को पढ़ लीजिए, कुरान हमारे लिए, गीता एक है, गीताओं छोड़ लीजिए, वेद आपने कभी, वेद वेदों को पढ़ लीजिए, मैंने वेदों को पढ़ा है, गीता में वासुदेव कहते हैं, सुनिए कि अगर पीपल की, अगर मुझे पेड़ों में देखना है तो पीपल में देख लेना, नदियों में देखना है तो गंगा में देख लेना, पहाड़ों में देखना है तो हिमालय में देख लेना, सुनिए आप मेरी बात, सुनिए और सुनिए, हम तो बरगद के, बरगद के और बेल के पेपर को मैं चूज खोज लेते हैं, हम तो नीम के पेपर, नीम के पेड़ में भी सीतला माँ काली माँ खोज लेते हैं, लेकिन आप कहाँ, आप राजनीति क्यों कर रहे हो भाई, कण कण में भगवान है, कण कण में रशीदी जी, देखिए कल ये ऐसी प्रथा, मैंने पहले भी कहा ये इस तरह की नफरत फैला देंगे लोगों में, देखिए कल हम कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकते, औरंगजेब वो भैरों की सवारी है, वो तो भैरों की सवारी है, अगर हम कुत्ते को कुत्ता कह देंगे तो उनकी आस्था को ठेस पहुंच जाएगी, नहीं खाता था बताइए, इनकी आस्था को ठेस पहुंच जाएगी अगर हम कुत्ते को कुत्ता, क्योंकि भैरों की सवारी है, अगर हम चूहे को चूहा कह देंगे तो इनकी आस्था को ठेस पहुंच जाएगी, हम बिल्ली को बिल्ली कह देंगे तो इनकी आस्था को ठेस, ये ऐसा ऐसा वातावरण देश में पैदा कर देंगे कि किसी भी चीज का नाम लेना किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा।